साइलेंट किलर। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को मार दे रहे हैं, अपने माँ बाप को वो लोग बहुत सताने लगे हैं। माँ बाप के साथ बदतमीजी, गलत लहजा, ऊंची आवाज में बात करना, ये सब उनको अंदर ही अंदर खा जाता है, जिसकी वजह से शुगर, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर और हार्ट अटैक आने लगते हैं। किसी को मारने के लिए अब छुरी, तलवार और जहर की जरूरत नहीं पड़ती। आपका गलत लहजा, आपका अंदाज ही अपने आपके वालदैन को मार डालता है। ये एक साइलेंट किलर के तौर पर काम करता है। पहले जमाने में बच्चे 40 साल के हो जाते थे, औलाद की भी औलाद होते थे, बीवी बच्चे होते थे, लेकिन फिर भी वो अपने वालिद से बात करने में डरते थे, अपने वालिद के सामने बैठने से डरते थे। अगर उनके माँ बाप अगर उनसे कुछ कह देते थे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, फिर भी वो कर देते थे। लेकिन आजकल के 15-16 साल के बच्चे अगर बीवी का अगर अपने बाप की हाइट से थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, तो वो अपने बाप को ही सिखाने और समझाने लगता है। अगर जिम जाकर थोड़ा सा बॉडी बना लेता है लड़का लोग, तो अपने आप को सीनियर समझने लगता है और माँ बाप को बेकार समझने लगता है। ये वो भूल जाता है कि आज वो जिस मुकाम पर है, उसे उस मुकाम पर लाने वाला उसका बाप ही है। आजकल बेटा जवान होकर पैसे कमाने के बजाय पैसा उड़ाने की कोशिश करते हैं। बेटा जवान हो जाता है तब भी अपने बाप को आराम नहीं देता है। अगर वो कमाता है तो अपने बीवी बच्चों को लेकर ये अलग हो जाता है। ऐसा नहीं करनी चाहिए। जिस बाप ने खुद कमा कमा कर तुमको कमाने लायक बनाया है, और जब तुम कमाने लगे हो तो तुम अपने बाप को साइड कर देते हो। कभी देखा है उन गरीब बच्चों को जो भूखे प्यासे नंगे रहते हैं सड़क पर, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। कभी देखा है सड़क में कुछ लोग सोए होते हैं, कोई उनकी फिक्र करने वाला नहीं होता है। अल्लाह ने हमें कितना खुश नसीब बनाया है कि हमारे पास माँ बाप जैसी नेमतें हैं, और हम उन्हीं को तकलीफ दे देकर मौत से पहले मार देते हैं। हमारे लिए हमारे माँ बाप दुआएं कर रहे होते हैं। उन गरीब के पास तो कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई उन्हें खाना देने वाला नहीं होता। लहजे से माँ बाप के साथ बदतमीजी, फिर उसके बाद उनको बेकार समझना, उनकी बातों को नज़रअंदाज करना, ये उन लोगों को अंदर ही अंदर मार देता है, जो एक साइलेंट किलर का काम करता है। मेरी बातों को समझें और अपनी माँ बाप के साथ नरमी से पेश आएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक शेयर भी ज़रूर करें।